अब जो नेक्स्ट मेथड है सीकेंट मेथड। सीकेंट मेथड का फार्मूला वही है जो कि मेथड ऑफ फॉल पोजीशन मेथड का था। करने का तरीका भी वही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चेंज हो जाएगा, वो अभी मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा। लेट द इक्वेशन इज एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, लेट यू अप्लाई ए ओपन इंटरवल एक्स वन कॉमा एक्स टू, देन एक्स थ्री इज इक्वल टू एक्स वन फंक्शन ऑफ एक्स टू माइनस एक्स टू फंक्शन ऑफ एक्स वन अपॉन फंक्शन ऑफ एक्स टू माइनस फंक्शन ऑफ एक्स वन। देखिएगा सेकेंड मेथड का वही फार्मूला है जो कि हम रेगुलर फॉल्सी मेथड में यूज़ कर रहे थे। फिर दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क है वर्किंग मेथड का। जब आपको रेगुलर फॉल्सी मेथड पढ़ाया जा रहा था उसकी वीडियो में एक्सप्लेन किया गया था कि हर बार आपको दो पास की वैल्यू लेनी है जिसमें आपका एक निगेटिव हो वैल्यू हो और एक पॉजिटिव वैल्यू हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप फर्स्ट टाइम जो है वो निगेटिव और पॉजिटिव चेक करेंगे, लेकिन उसके बाद निगेटिव और पॉजिटिव आप चेक नहीं करेंगे। जो भी आपका x2 होगा वो नई वैल्यू x1 बन जाएगी, और जो आपका x3 निकल कर जाएगा इस फार्मूले से वो आपका वैल्यू x2 बन जाएगी। और ये प्रोसीजर आप बार बार अप्लाई करते रहेंगे, लेकिन इस मेथड से आंसर जो है वो देर से आता है। ये मेथड भी कोई अच्छा मेथड नहीं है। अब देखिएगा जैसे कि एग्जाम्पल नंबर वन है, एग्जाम्पल नंबर वन में वो कह रहा है फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन लाइन बिटवीन टू एंड फोर बाय सीकेंट मेथड। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो हमारी इक्वेशन है। अब ये हमारा हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस टेन, ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है। अब वो हमसे कह रहा है कि रूट जो है वो टू और फोर के बीच में लाई करना चाहिए, और हम इसमें एफ टू रखते हैं तो ये हो जाता है 4 माइनस 8 माइनस 10। अब ये हो जाता है माइनस का 14 वैल्यू निगेटिव आ गई है। जब हम F4 रखते हैं तो ये जाता है 16 माइनस 16 माइनस 10, ये कैंसिल हो जाता है और वैल्यू माइनस के 10 आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाता है 4 का स्क्वायर है, यह इक्वेशन में F2 है, यहाँ पर एफ टू है, टू का स्क्वायर हो जाता है फोर, और ये हो जाता है निगेटिव और पॉजिटिव में वैल्यू बन रही है। अब यहाँ पर देखिएगा एफ टू पर भी वैल्यू माइनस के फोर आई है और एफ फोर पर भी वैल्यू माइनस के टेन आई है। अब देखिएगा क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको वो रूट निकालना है रियल रूट जो टू और फोर के बीच पर लाई करता है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं टू पर भी वैल्यू माइनस आ रही है और फोर पर भी वैल्यू माइनस आ रही है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको वही रूट निकालना है जो टू और फोर के बीच में लाई करता है, तो क्वेश्चन करना इस मेथड से हमारी मजबूरी बन जाती है। और क्योंकि हमसे कहा गया है तो वही वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी जो वैल्यू हमसे लेने के लिए कहा गया है, ठीक है ना। लेकिन जब आप अपने पास से क्वेश्चन करने जा रहे होंगे तो आप ऐसी दो वैल्यू नहीं लेंगे जिन पर दोनों पर निगेटिव या पॉजिटिव आता है। होता क्या है, अगर इस तरह से आप वैल्यू लेकर के चलते हैं तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो बहुत देर से आता है, तो ये हमारा कोई सही तरीका नहीं होता। सही तरीका वही होता है आप जिसमें आप ये निगेटिव वैल्यू लेंगे और पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या करें, जब दोनों निगेटिव आ रहे हैं तो हमें यही वैल्यू लेकर के चलनी पड़ेगी। अब रूट टू और फोर के बीच में लाई करता है, वो कह रहा है रूट, बुक वाला कह रहा है आपसे रूट लाई इन ओपन इंटरवल टू कॉमा फोर। आप एक्स वन की वैल्यू टू डाल दीजिएगा और एक्स टू की वैल्यू फोर डाल दीजिएगा, फार्मूला लगा दीजिएगा x3 इज इक्वल टू x1 फंक्शन ऑफ x2 माइनस x2 फंक्शन ऑफ x1 अपॉन फंक्शन ऑफ x2 माइनस फंक्शन ऑफ x1। यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिएगा तो ये हो जाता है 2f4 हो जाएगा माइनस का 4f2 हो जाएगा और अपॉन में हो जाएगा f4 माइनस f2। अब इनकी वैल्यू आप डाल देंगे, इनकी वैल्यू डालने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो x3 इक्वल टू आ रहा है 9, तो x3 की वैल्यू जो है वो 9 आ रही है, ठीक है ना। अब x3 की वैल्यू आपकी 9 आ रही है, अब फंक्शन में आप ये 9 डाल देंगे, अब फंक्शन में x3 डाल देते हैं, फंक्शन में 9 डाल देते हैं तो ये हो जाता है फंक्शन में 9 का स्क्वायर माइनस 36 माइनस 10, 9 का स्क्वायर हमारा 81 हो जाएगा। 81 में से जब हम 46 माइनस करेंगे माइनस ये हो जाएगा
9 का स्क्वायर हो गया है 36 हो गया है और ये हो जाएगा हमारा 46। ये आपका हो जाता है 81 और माइनस का 46, ये आपकी वैल्यू 35 आ जाती है। आप देखिएगा 9 जब आपने वैल्यू निकाली तो 35 आ गया है, 9 की वैल्यू आपकी 35 आ गई है। और यहाँ पर देखिएगा 2 पर भी माइनस का 14 था और 4 पर भी जो है 4 पर जो है वैल्यू माइनस के 10 थी, और जबकि यहाँ जो वैल्यू 9 आई है। तो इस तरह से पोजीशन ये हो जाती है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन की स्टार्टिंग एक गलत तरीके से हुई है, 2 और 4 के बीच की हम वैल्यू निकालने जा रहे थे तो 2 और 4 पर, 2 पर भी निगेटिव आ रहा था, 4 पर भी जो है वो निगेटिव आ रहा था। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक पर पॉजिटिव आना चाहिए और एक निगेटिव आना चाहिए। अब 2 पर जो है हमारा निगेटिव आया है और 4 पर भी हमारा निगेटिव आया है और 2 और 4 के बीच में जो रूट है देखिएगा वो बाहर पड़ गया है। ये रूट जो है वो 9 पर पड़ चुका है, रूट जो है हमारे इंटरवेल से बाहर निकल गया है। जो दूसरी वैल्यू है रूट जो है वो 9 से बाहर निकल गया है। ये एक्चुअल में जो एक तरह से देखा जाए तो क्वेश्चन गलत है, क्योंकि आपका आंसर वहीं पड़ता है जहाँ पर एक माइनस और एक प्लस होता है, लेकिन उसने 2 और 4 की वैल्यू निकालने के लिए कहा था तो हमें निकालना ही पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है। यानी कि आप ऐसा समझ के चलेगा कि क्वेश्चन गलत है। अब 9 पर जो वैल्यू है आपकी वो आपकी पॉजिटिव आई है, तो आप देखिएगा अब रूट यहाँ लाई करेंगे, आप रूट लाई इन ओपन इंटरवल 4, 9। अब x1 की वैल्यू आप 4 डाल दीजिएगा और x2 की वैल्यू 9 डाल दीजिएगा। अगेन फार्मूला लगा दीजिएगा x3 इज इक्वल टू x1 फंक्शन ऑफ x2 माइनस x2 फंक्शन ऑफ x1 अपॉन फंक्शन ऑफ x2 माइनस फंक्शन ऑफ x1। अब x3 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब जो ये पुराना x2 है उसे तो x1 बना लेना और जो नया x3 है उसे x2 बना लेना और इसे रिपीट करते रहना फार्मूले को। इस फार्मूले को तब तक रिपीट करते रहना जबकि फंक्शन में रखने के बाद जो वैल्यू है वो नियरली इक्वल जीरो ना आ जाए। जब वो नियरली इक्वल जीरो आ जाएगी तो आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाएगा। ये बिल्कुल मेथड नहीं है, बिल्कुल उसी तरह का मेथड है जैसे कि मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन मेथड था। इस मेथड में कोई स्पेशलिटी नहीं है। अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूटन रैप्सन मेथड। न्यूटन रैप्सन मेथड ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, ये आप ये समझिएगा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट मेथड जो है वो न्यूटन रैप्सन मेथड है और एग्जाम में इसका क्वेश्चन जो है 99% आ ही जाता है। अब न्यूटन रैप्सन मेथड में क्या है, लेट द इक्वेशन इज fx = 0। मान लीजिएगा आपकी इक्वेशन जो है वो fx = 0 है। जब न्यूटन रैप्सन मेथड की आप शुरुआत करेंगे क्वेश्चन के करने की, तो न्यूटन रैप्सन मेथड में जब आप क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे तो आप एक अप्रॉक्सीमेट रूट लेकर के चलेंगे। वो अप्रॉक्सीमेट रूट जो है सपोज कर लीजिएगा हम एक्स नॉट से डिनोट कर रहे हैं, लेट एक्स नॉट बी अप्रॉक्सीमेट रूट। आप देखिएगा जो एक्स नॉट है वो एक अप्रॉक्सीमेट रूट है, एक्चुअल रूट तो नहीं है, सही है। अब x नॉट को जब ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट रूट है, जब अगर ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट रूट है तो हम इस वैल्यू को करेक्ट करने के लिए कुछ करेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। मान लेते हैं वो करेक्शन जो है वो स्मॉल h से रिप्रेजेंट होता है, यानी कि हम कहने वाले हैं कि स्मॉल h जो है वो करेक्शन है जो इसमें अप्लाई जब किया जाएगा तो हमारा जो है रिक्वायर्ड रूट एक्चुअल रूट जो है वो प्राप्त हो जाएगा। Let h be the correction to get actual root। मान लीजिएगा h वो correction है जिसे करने पर आपका actual root आ जाता है। अब ये मान लीजिएगा let x not plus h is actual root। अब x not जो था हमारा वो approximate root था। अब हमने उसमें ये कहा है कि हम एक करेक्शन h अप्लाई कर रहे हैं, तो हमने x नॉट में h प्लस कर दिया है और ये अब ये मान करके चल रहे हैं कि x नॉट प्लस h जो है वो हमारा एक्चुअल रूट है। अब रूट क्या होता है, रूट वो होता है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर ये x नॉट प्लस h मेरा रूट है तो जब मैं इसे इक्वेशन में रखूँगा तो मेरी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। नाउ फंक्शन ऑफ x नॉट प्लस h इज इक्वल टू 0।
अब आप यहाँ पे बीएससी पार्टन में चले जाइएगा बाई टेलर सीरीज, टेलर सीरीज में चले जाइएगा फंक्शन ऑफ एक्स नॉट प्लस एच एफ डैश एक्स नॉट प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स नॉट एंड सो ऑन इक्वल टू जीरो। अब ये एक्सपेंशन आ गया है टेलर थ्योरम, हमने बीएससी पार्ट वन की टेलर सीरीज जो हमने अप्लाई कर दी है। अब मान लीजिएगा एक एच इज वेरी स्मॉल देन नेगलेक्ट हायर पावर ऑफ एच। अब यहाँ पर इस केस में हम ये कंडीशन लेने जा रहे हैं कि जो करेक्शन अप्लाई करने वाले हैं स्मॉल एच के रूप में वो एक स्मॉल क्वांटिटी है, तो स्मॉल क्वांटिटी का स्क्वायर क्यूब करेंगे तो उसकी वैल्यू उतनी छोटी होती चली जाएगी, तो हम यहाँ से जो है एच की हायर पावर को नेगलेक्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास बचता है फंक्शन ऑफ एक्स नॉट प्लस एच एफ डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से एच की वैल्यू बन जाती है माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट, और यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी हमें देयर एफ डैश एक्स नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर देखिएगा देयर एफ डैश एक्स नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये जो है कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा ये एच की जो वैल्यू है, ये एच की वैल्यू ध्यान रखिएगा एक्यूरेट नहीं हो सकती, क्योंकि जो आपने टेलर सीरीज का एक्सपेंशन लिया था यहाँ से एच की वैल्यू अगर आती तो वो प्योर होती, लेकिन यहाँ से एच की वैल्यू आपने कहाँ ली, आपने तो हायर पावर छोड़ दी, तो यानी कि आपके फार्मूले में अभी भी एरर मौजूद है। सही है, तो यानी कि जो हमने पहले माना था कि x नॉट प्लस h एक्चुअल रूट है, तो वो एक्चुअल रूट ना होकर के फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट होगा। अब ये करेक्शन जो है बार बार हम करते चले जाते हैं, तो अब हम इसमें ऐसे लिखते हैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इज एक्स वन इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस h। अभी थोड़ी देर पहले जो हम पीछे लिख करके गए हैं कि x नॉट प्लस h एक्चुअल रूट है, वो एक्चुअल रूट नहीं हो सकता क्योंकि h जो है वो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ली जा रही है, तो x नॉट प्लस h, तो x1 इज इक्वल टू ये वैल्यू हो जाती है x नॉट माइनस फंक्शन ऑफ x नॉट अपॉन f डैश x नॉट। अब देखिएगा ये पहला फार्मूला तैयार हो गया है फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन के लिए, ये फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन आपका x1 आ चुका है। अब क्या होगा, एक एक स्टेप आगे चलते चले जाइएगा, x1 को यहाँ रख दीजिएगा, इधर x2 रख दीजिएगा, तो सेकंड अप्रॉक्सीमेशन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सेकंड अप्रॉक्सीमेशन। सेकंड अप्रॉक्सीमेशन में आप x2 कर देंगे, यहाँ x0 की जगह x1 माइनस फंक्शन ऑफ x1 अपॉन f डैश x1 एंड सो ऑन, और इसी तरह से प्रोसेस को आप अप्लाई करते चले जाएंगे, तो इस तरह से आपका फार्मूला जनरल फार्मूला बन जाता है एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस फंक्शन ऑफ एक्स एन एफ डैश एक्स एन, और ये हमारा न्यूटन रैप्शन मेथड का रिजल्ट जो है वो तैयार हो जाता है। इस फार्मूले को अप्लाई करके हम न्यूटन रैप्शन मेथड के क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें इटरेटिव फार्मूले निकालने पड़ेंगे, वो इटरेटिव फार्मूले भी आप सिखाए जा रहे हैं। आप देखिएगा सबसे पहले हम इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं। अब ये नया हेडिंग है ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूटन रैप्शन मेथड। अब देखिएगा न्यूटन रैप्शन मेथड जो ज्योमेट्रिकली है वो आपको किस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है। देखिएगा यहाँ पर आपके पास एक कर्व है, ये आपकी ओरिजिन हो गया, इधर आपकी एक्स एक्सिस हो गई और इधर आपकी वाई एक्सिस हो गई। जो कर्व है वो कर्व है आपका वाई इजिकल टू एफ एक्स। आप जानते ही हैं जब इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तो एफ एक्स इजिकल टू जीरो यानी कि वाई इजिकल टू जीरो होगा, और y इक्वल टू जीरो पर जो पॉइंट पड़ेगा वो x एक्सिस पर पड़ेगा, यानी कि आपका जो एक्चुअल रूट होता है वो वैल्यू होती है x की जहाँ पर आपका कर्व जो है वो x एक्सिस को क्रॉस करता है। अब ये मान लीजिएगा ये हमारे पास एक पॉइंट है p, यहाँ पर मैं स्टार्टिंग वैल्यू लूंगा और ये मेरा s है। ये जो s है जिस पॉइंट पर s पर मेरा कर्व x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है ये मेरा एक्चुअल रूट है, ठीक है ना। अब होता क्या है, अब ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P का मैं एक वर्टिकल लाइन लेता हूँ, ये सपोज कर लीजिएगा पॉइंट M है और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो X नॉट है। ये जो M है ये आपका सबसे पहला अप्रोक्सीमेट रूट होता है जहाँ से कि आप क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। अब देखिएगा इस पर आप पॉइंट P पर आप एक टेंजेंट खींचते हैं
ये पॉइंट पी पर हमने टेंजेंट बना दी गई है, ये कर्व के लिए पॉइंट पी पर टेंजेंट हो गई है। सपोज कर लीजिएगा इस टेंजेंट का नाम है टी। अब देखिएगा जब पॉइंट पी पर टेंजेंट खींची गई तो वो टेंजेंट जो है वो एक्चुअल रूट, ध्यान रखिएगा ये एस है, ये हमारा एक्चुअल रूट है और ये जो हमारा एक्स नॉट है ये हमारा अप्रोक्सीमेट रूट है। इस अप्रोक्सीमेट रूट में ही हमें सुधार करते करते जो है वो एस वाले पॉइंट तक जाना है। अब ये देखिएगा यहाँ पर पॉइंट टी है, सपोज कर लीजिएगा ये जो इंटरवेल है ये एच है, ठीक है, ये इंटरवेल एच है। अब टी पर आप पॉइंट ले लेते हैं, टी से आप एक वर्टिकल लाइन लेते हैं, टी पर आप वर्टिकल लाइन ले लेते हैं, मान लीजिएगा पॉइंट है पी वन, ठीक है। अब टी का जो कोऑर्डिनेट हुआ, अब टी का जो एक्स कोऑर्डिनेट हुआ वो हुआ एक्स नॉट प्लस एच। यही अभी पीछे आर्टिकल में बताया गया था कि सबसे पहले अप्रोक्सीमेट एक्स नॉट है, फिर उसमें करेक्शन एच अप्लाई करते हैं तो पहला अप्रोक्सीमेशन हो जाता है एक्स नॉट प्लस एच हो जाता है। ये पहले अप्रोक्सीमेट रूट की वैल्यू बन चुकी है। अब इस पी वन वाले पॉइंट पर आप फिर दोबारा से टेंजेंट खींचते हैं, ये टेंजेंट खींचते हैं, मान लीजिएगा ये इंटरसेक्ट कर रही है टी वन पर, ठीक है ना, ये टी वन पर इंटरसेक्ट कर रही है। फिर यहाँ से आप एक वर्टिकल लाइन लेते हैं, मान लीजिएगा ये पॉइंट पी टू है, अब इस पॉइंट पी टू पर आप टेंजेंट खींचते हैं, ये मान लीजिएगा इंटरसेक्ट कर रहा है टी टू पर। अब आप देखिएगा हुआ क्या, सबसे पहले हमने पॉइंट पी पर टेंजेंट खींची तो उस टेंजेंट ने इंटरसेक्ट करा पॉइंट टी पर, फिर हमने पी वन पर टेंजेंट खींची तो उसने इंटरसेक्ट करा टी वन पर, फिर हमने पी टू वाले पॉइंट पर टेंजेंट खींची तो उसने इंटरसेक्ट करा टी टू पर। तो देखिएगा जो टेंजेंट है, जो कर्व के डिफरेंट पॉइंट पर आप टेंजेंट खींचते चले जा रहे हैं, वो टेंजेंट धीरे धीरे एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट धीरे धीरे एस की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। तो एक पोजीशन ऐसे आएगी जब हम इस प्रोसेस को अप्लाई करते चले जाएंगे तो एक पोजीशन हमारी ऐसी आ जाएगी कि जो हमारी टेंजेंट है वो एस वाले पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। यहाँ ध्यान दीजिएगा टेंजेंट एस वाले पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी और जब ऐसा होगा तो हमारे पास एक्चुअल रूट प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में कि डिफरेंट पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचते चले जाते हैं तो वो टेंजेंट धीरे धीरे एक्चुअल रूट की तरफ चलती चली जाती है, यानी कि टेंजेंट और एक्स एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो एक्चुअल रूट की तरफ जो है वो बढ़ता चला जाता है और एक पोजिशन में आकर के हमारा एक्चुअल रूट प्राप्त हो जाता है। अब इसकी थ्योरी थोड़ी सी लिख लेते हैं। यह लेट कर्व एज y इज इक्वल टू एफ एक्स, अभी हमारा कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स है, लेट अस ड्रॉ, जिस तरह से डायग्राम बनाया गया उसी तरह से धीरे धीरे लिखते रहिएगा। लेट अस ड्रॉ ए टेंजेंट एट पी टू कर्व हूज x coordinate is x naught, जिस पॉइंट P पर हमने टेंजेंट खींचा है कर्व के लिए उसका x coordinate जो है वो x naught है। Let, अब ये काट रहा है T पर, let tangent intersect x axis at T। अब हमने कह दिया है कि पॉइंट पी पर जो टेंजेंट हमारी खींची गई है वो एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट टी पर काट रही है, ठीक है। अब टी पर टेंजेंट काटी गई है तो फिर हमने टेंजेंट खींची गई है पॉइंट पी वन पर, वी ड्रॉ ए टेंजेंट, वी ड्रॉ ए टेंजेंट एट पी वन। अब हम पॉइंट पी वन पर टेंजेंट खींच रहे हैं, ए टेंजेंट पी वन, वेयर x कोऑर्डिनेट ऑफ p1 इज, ऐसे कह दीजिएगा इसे डायग्राम के अकॉर्डिंग x नॉट प्लस h, जो इसका कोऑर्डिनेट है जो हमारा p1 है उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिएगा x नॉट प्लस h हो जाएगा हमारा p1 का x कोऑर्डिनेट ये है। फिर उसी तरह से
अब हम उस पर चलते हैं, फिर हम इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखते हैं तो ये वैल्यू हम x1 से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिएगा यहाँ x1 इक्वल टू x0 प्लस h है, और मान लीजिएगा ये x0 प्लस h है। नेक्स्ट वैल्यू जब आप लेने जाएंगे तो x0 प्लस 2h हो जाए, x2 हो जाएगा। इसी तरह से हम बढ़ते चले जाते हैं आगे आगे। अब हम कहते हैं ये है बी, बल्कि हम ऐसे लिख लेते हैं बी ऑब्जर्व दैट, we observe that the tangent at p comma p1 comma p2 and so on, we observe that the tangent at p1 comma p2, बल्कि अब हम ऐसे लिख लेते हैं we observe that the point of intersection we observe that the point of intersection of tangents at p comma p1 comma p2 and so on approaches to actual goal s। अब यहाँ से कह देते हैं कि जैसे जैसे कॉन्सेंट्री पी पी वन पी टू पर हम डॉट डॉट टेंजेंट खींचते हैं, तो उन टेंजेंट का जो एक्स एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो एक्चुअल रोड एस की तरह से जो है वो अप्रोच होता चला जा रहा है। अब यहाँ पर आप डिफाइन कर दीजिएगा ये है। अब ऐसे मान लीजिएगा, अब डायग्राम के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, इस वाले ट्राइंगल पर हम चलते हैं। इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में आइएगा पी एम टी, 90 डिग्री है, इन ट्राइंगल पी एम टी, ये ट्राइंगल हमारा पी एम टी है। ट्राइंगल पी एम टी में आ जाइएगा, ये टेंजेंट का स्लोप है। अब देखिएगा टेंजेंट का स्लोप एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल नापा जाता है, तो देखिएगा यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री से बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पर जो मेरी वैल्यू आएगी वो माइनस मुझे लेनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा टेंजेंट ऑफ स्लोप। अगर मान लीजिएगा यहाँ से मैं इसे सपोज कर लीजिएगा थीटा वन कहता हूँ, तो इधर से जो हो जाएगा वो पाई माइनस थीटा वन हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम डायग्राम में जाते हैं तो ये मिलता है टेन पाई माइनस थीटा वन इक्वल टू परपेंडिकुलर पी एम अपॉन बेस मिल जाता है मुझे, तो ये वैल्यू मेरी एम टी हो जाती है। तो यहाँ से हो जाता है मेरा माइनस के टेन थीटा वन, और देखिएगा डायग्राम के अकॉर्डिंग पी एम, पी एम की जो वैल्यू है, जो आपका कर्व है वो कर्व रिप्रेजेंट हो रहा है वाई इक्वल टू एफ एक्स से, वाई इक्वल टू एफ एक्स से आपका कर्व रिप्रेजेंट हो रहा है। पी वाले पॉइंट पर जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स नॉट है, तो पी एम की वैल्यू आपकी फंक्शन ऑफ एक्स नॉट हो जाएगी, और एम टी, और एम टी की वैल्यू आपकी एच है। अब यहाँ से देखिएगा ये हो जाता है टेन थीटा वन इक्वल टू माइनस फंक्शन ऑफ एक्स नॉट अपॉन एच। अब देखिएगा टेन थीटा वन की वैल्यू है, अब टेन थीटा वन होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। आप चूँकि आप ऐसे लिख सकते हैं टेन थीटा वन इक्वल टू रिप्रेजेंटेशन होगा आपका एफ डैश एक्स नॉट से। अब देखिएगा टेन थीटा वन की जो वैल्यू है वो आपकी एफ डैश एक्स नॉट आ चुकी है। अब डी वाई अपॉन डी एक्स है, अब जिस पॉइंट पर हमने टेंजेंट खींचा उसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स नॉट है, तो यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाती है एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एच हो जाता है। यहाँ से वैल्यू आ जाती है एच इक्वल टू माइनस फंक्शन ऑफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट। देखिएगा ये वही वैल्यू है जो अभी हमने पीछे वाले आर्टिकल में टेलर सीरीज से निकाली थी। यहाँ से एच की वैल्यू आ जाती है अप्रॉक्सीमेशन एक्स वन इक्वल टू हो जाता है एक्स नॉट प्लस एच एक्स नॉट माइनस फंक्शन ऑफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट। अब ये x1 की नई वैल्यू आ चुकी है। इसी तरह से आप देखेंगे इसी प्रोसेस को जब हम अप्लाई करते चले जाएंगे, तो ये फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन आया, फिर सेकंड अप्रॉक्सीमेशन आया, फिर थर्ड अप्रॉक्सीमेशन आएगा, और इसी तरह से जो है हमारा रिजल्ट जो है एक्चुअल वैल्यू जो है वो प्राप्त हो जाएगी। आज की वीडियो में भी आप ये आप जो सीकेंड मेथड है उसकी एक्सरसाइज है वो कर लीजिएगा, दो उसमें एग्जाम्पल है वो कर लीजिएगा, है ना। इंपॉर्टेंट तो है नहीं लेकिन फिर भी कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई भरोसा नहीं होता है कौन से मेथड से क्वेश्चन आ जाए।
वैसे देखा जाए तो इस चैप्टर से जब भी क्वेश्चन आता है तो वो न्यूटन रैप्सन मेथड आता है या फिर एक लास्ट में एक इसके बाद पढ़ाया जाएगा ग्रैफी रूट स्क्वायरिंग मेथड। इन दोनों में से किसी एक मेथड से आपको एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन जो है मिल जाता है। अभी मैं इस न्यूटन रैप्सन मेथड का आर्टिकल बता चुका हूँ और न्यूटन रैप्सन मेथड का आर्टिकल बताने के बाद उसमें जो है फिर ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताती है कि ज्योमेट्री की दृष्टि से अगर हम देखा जाए तो कैसे जो है हम एक्चुअल रूट प्राप्त कर देते हैं। ठीक है, अब जो इसमें न्यूटन रैप्सन मेथड अप्लाई करने के लिए मुझे कुछ इटरेशन फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी, उन इटरेशन फार्मूलों को हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि फार्मूले अगर इस वीडियो में हो जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में फार्मूले हो जाएंगे तो थोड़ा सा मिस अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, क्योंकि फार्मूला अगर डेराइव हो जाए उसके बाद साथ साथ क्वेश्चन करते रहें, जैसे जैसे मैं फार्मूले डेराइव करता रहूँगा वैसे वैसे मैं उसके साथ एग्जाम्पल में बुक से अलग क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन करता रहूँगा, जिससे कि हर मेथड का क्वेश्चन आपको लगाना सीख जाए। तो इसलिए आज के टॉपिक को हम यहीं एंड कर देते हैं, है ना। आज के लिए आपके लिए बस थोड़ा सा ही काम है, बस ये दो आर्टिकल हैं और फिर अब नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूटन रैप्सन मेथड के इटरेटिव फार्मूले तैयार करेंगे और उनकी सहायता से सीखेंगे कि जो है हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में न्यूटन रैप्सन मेथड जो हमारा कंप्लीट हो जाएगा।